गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप योर मैथ टीचर। बच्चों, कल हमने नाइन्थ ए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे किए थे। कुछ शेप थी जिनके बारे में बताया था, साइड फेस एज क्या होते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेनग्राम। ये एक चाइनीज पजल है, इसमें सेवन पीस होते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं सेवन पीस। वन में ट्राइंगल है, सेकेंड में एक बड़ी ट्राइंगल, दोनों सेम ट्राइंगल है। थर्ड में एक स्क्वेयर है, फोर्थ में एक ट्राइंगल है, फाइव एक स्क्वेयर है, और सिक्स एक ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल है। फोर और सिक्स और सेवन भी एक उनसे थोड़ी बड़ी ट्राइंगल है। तो ये सेवन पीस होते हैं। इनमें इनको कट करके आगे पीछे लगा के हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सेवन पीस यहाँ पर बनाए हैं, फर्स्ट एक ट्राइंगल है, सेकेंड एक सेम ट्राइंगल है उसके इक्वल, थ्री एक स्क्वेयर है, ठीक है, फोर्थ भी एक ट्राइंगल है, फाइव एक स्क्वेयर है, सिक्स एक ट्राइंगल है और सेवन एक ट्राइंगल है। इन पीसों को हम कट करके सेम पीस ऐसे इतने ही साइज के पीस कट करके हम उनसे क्या क्या बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, पर्सन बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं। इन सेवन पीस का यूज़ किया गया है इनमें, ठीक है। ऐसे हम काफ़ी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, बना सकते हैं इनको। ये एक्टिविटी में आता है आपके, रैबिट बना सकते हैं, डॉग टाइप बना सकते हैं, हॉर्स बना सकते हैं, सांप, ठीक है, कैट, फिश, इस तरह के हम दिखने वाली पिक्चर इसको इस इन सेवन पीस से हम बना सकते हैं। इन सेवन पीस का यूज है सब में, ठीक है। तो इन सेवन पीस का यूज करके आप इन ऐसे ऐसी पिक्चर यहाँ पे यूज बना सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी में आता है, तो आप इनको बना के देखेंगे। उसके बाद आता है टाइलिंग। टाइलिंग कहते हैं इसको, टाइल टेस्लेशन या टाइलिंग, ठीक है। इनका जो जब हम घर में टाइल बिछाते हैं तो उसके बीच में जो गैप नहीं होता है, बिना गैप के साथ साथ लगा के किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है। टू कवर द सरफेस पैटर्न, एक पैटर्न में उस शेप को बनाना जिसमें गैप ना हो, नो गैप इज ऑल टाइलिंग। नो गैप और स्लैब माना नो गैप, गैप ना हो, उनके बीच में कोई जगह ना हो। टाइल जैसे घर में देखते हैं हम, टाइल के बीच में कोई जगह नहीं होती है, तो उस तरह बिछाना जैसे ये, इन्हें हम टाइलिंग कहते हैं। ये रेक्टेंगल से टाइलिंग बनाई गई है, ऐसे ये ट्राइंगल से ट्राइंगलिंग बनाई हुई है, बीच में कोई गैप नहीं है, एक ट्राइंगल उधर है, एक इधर है, ठीक है। तो ये स्क्वेयर से ट्राइलिंग है, ये हेक्सागन की ट्राइलिंग है, ये ऑक्टागन की, ये डिफरेंट पेंटागन की, अलग अलग पेंटागन है इसमें। पेंटागन फाइव साइड होती है ऑक्टागन में, एंड स्क्वेयर दो, इसमें दो यूज की गई है, ऑक्टागन और स्क्वेयर, ठीक है। इसमें स्केयर ये सिर्फ एक ही शेप यूज की गई है, इनमें वन शेप यूज की गई है, इसमें टू शेप यूज की गई है, क्लियर। ये टाइलिंग होती है, इन्हें टाइलिंग ये हमें बिना किसी गैप के एक पिक्चर से बना सकते हैं, और दो पिक्चर शेप से भी हम इनको बना सकते हैं। अब हमारा आता है नाइन बी एक्सरसाइज, कह रहा हाउ मैनी ट्राइंगल इन सेवन पीस टेन ग्राम। जो हमारा टेन ग्राम अभी मैंने बताया था आपके, ये रहा सेवन पीस टेन ग्राम, इसमें कितने ट्राइंगल है, तो गिन लो, वन टू थ्री फोर फाइव ट्राइंगल है, ठीक है। कितने ट्राइंगल है इसमें, फाइव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइव। खैर हाउ मैनी स्क्वेयर आर देयर सेवन पीस ट्राइंगल, इसमें कितने स्क्वेयर हैं, तो दो स्क्वेयर हैं इसमें। कहाँ पे हैं, एक तो ये फाइव नंबर वाला यहाँ पे ये, ठीक है, एक ये थ्री नंबर वाला, ये स्क्वेयर है, दोनों दो स्क्वेयर है इसमें, फाइव ट्राइंगल है, पाँच इसमें ट्राइंगल है और दो इसमें स्क्वेयर है, सेवन पीस हो गए ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर हो गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेक ए ट्राइंगल यूजिंग टू पीस, दो पीस का यूज करके हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है, ट्रायंगल। इनमें किसी भी दो पीस का यूज करके, जैसे हमने ये दो पीस यूज कर लिए, वन और टू, और ये बड़ी ट्रायंगल बन गई इससे, देखो ये बन गई ना। तो ऐसे इन दो पीस का यूज करके हमें ट्रायंगल बना दी, ऐसे ही फोर पीस का यूज करके हमें ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यूज द फोर पीस ऑफ सेवन पीस ट्रायंगल, जो हमारे सेवन पीस का ट्रायंगल, उसमें फोर पीस यूज करने हैं आपको, और क्या बनानी है, रेक्टेंगल, क्या बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है। देखो यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज़ है, पीस ले लेना और रेक्टेंगल बनाना है हमें, ठीक है। तो रेक्टेंगल मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे बनी हुई है, ये रही हाउस में, ये एक ये ट्राइंगल यूज कर लो, एक ये ट्राइंगल यूज कर लो, एक ये ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या बन गई है, रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें सिर्फ फोर पीस यूज करने हैं आपको, तो फिर फोर पीस यूज करके आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। मेक ए डिजिट वन टू एट, वन टू एट डिजिट बनाने, इन टेन ग्राम को यूज कर रहे, इनको कहीं भी
लगा इन सेवन जो पीस दे रखे हैं इनको आपस में जोड़ जोड़ के वन जैसी पिक्चर बनानी है और टू जैसी पिक्चर बनानी है, आपस में जोड़ जोड़ के मैंने देखिए बना के कोशिश की। आप इनको आराम इन पीस को कट कर लेना आप एक पेज में से, और फिर उनको एक पेज लेना, उनके दो बड़ी ट्राइंगल कट करना, एक स्केयर कट करना इतना बड़ा, एक थोड़ा उससे छोटा स्केयर, तीन दो दो बिल्कुल छोटी ट्राइंगल कट करना उसमें से, और एक थोड़ी सी बड़ी ट्राइंगल, इन पीसों को कट करना है आपको पेज में से, और एक्टिविटी के रूप में आपको उनको जोड़ जोड़ के ये क्या बनाना है, वन बनाना है, टू बनाना है, थ्री बनाना है, फोर बनाना है, फोर जैसी शेप बनानी है, थोड़ा बहुत डिफरेंट चल सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब वो दिखने में फोर जैसा लगे, ठीक है। इन पीस को आप कट करेंगे पेज में से, सीजर यूज करना, और इनके दो बड़े ट्राइंगल कट करना, और दो छोटे स्केयर, एक बड़ा स्केयर, एक छोटा स्केयर, और उसके बाद जैसे पीस आपको दिखा रखे हैं या बुक में भी दिखा रखे हैं आपके पीस कट करके, तो इसको ऐसे ऐसे बना के इनको कट कर लेना ऐसे, ठीक है। यहाँ से जो छोटे पीस हैं ये छोटे अलग, पहले ही पूरी पिक्चर बनाना उसमें से फिर कट कर लेना, ठीक है। जितने साइज है उस उतना ही साइज रखना, थोड़ा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं चलेगा, स्केयर सेम से हो साइज इनका, तो 1 से 8 इंच बना लोगे, तो 1 2 मैंने कोशिश की है बनाने की, आप भी बनाना इनको है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है टाइल, टाइल की तरह हमें ट्राइंगल से टाइल बनानी है, पैटर्न टाइल पैटर्न बनाना है, और हमें 2nd क्वेश्चन में क्या बनाना है, स्केयर से टाइल, तो स्केयर का ट्राइंगल मैंने दिखाई दिया कि ये रहा ये स्केयर करा और ये टाइल करा, तो ये पिक्चर आपको बनाने हैं, ठीक है। टाइलिंग ऐसे अब बना के एक स्केयर बनाना, फिर उसके बाद स्केयर 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 आपस में टच कर जाना, नहीं समझे, देखो एक स्केयर बनाओगे आप, ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप बिल्कुल स्केयर की तरह बनाना, स्केयर पता है ना ऑल साइड इक्वल होती है ऐसे, ये टाइलिंग होता है स्केयर टाइलिंग, ठीक है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बस स्केयर टाइप में इस जोड़ते जाओ आपस में, ठीक है। तो ये होता है एक ट्राइंगल टाइप होता है ट्राइंगल, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे, फिर इसमें ऐसे जोड़ देना, फिर ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे भी ट्राइंगल है ये, तो ऐसे बिना गैप के ट्राइंगल के यहाँ पे टाइलिंग आपको बनानी है नोटबुक में। तो आज आपको 9B चैप्टर करना है, एक्टिविटी के रूप में करना है। थैंक यू।